निकल 370 कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी। बात करें स्टोरी कैसी लगी? अच्छी थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। हाँ देखनी चाहिए। हाँ क्या लगता है लोगों को पसंद आई? हाँ पसंद आई। बेस्ट पार्ट क्या लगा इस मूवी में? बेस्ट पार्ट एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे। हाँ वो सब जो दिखाया था अच्छा है। हर एक पार्टी अच्छा है। एक्टिंग भी अच्छी है जो दिखाया है, सबको देखनी चाहिए। हाँ 5 में से रेटिंग्स कितने देंगे? 5। थैंक यू। कैसी लगी आर्टिकल 370? यस बहुत कुछ नया मेरे को देखने मिला, सीखने मिला क्या हुआ था। आई रेटेड 5/4। यस एंड हाउ इज द वर्क ऑफ एवरीवन? हाउ इज द कास्टिंग? बहुत कैसी लगी? सबसे बेस्ट था कि आर्टिकल 370। हां यस। व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन दिस मूवी? फाइटिंग सीन्स। यस and what is the ratings out of 5? 4. People will like this? Yeah really, what's it? And what is the message for the viewers? viewers ke liye tha ki ha jo kuch hua tha agar tumhe janna hai actually mein sab kuch to yes ek mai to apne friend ke saath aayi usne ko bataya tha ki aisa aisa hota hai to main sochi theek hai then क्या आर्टिकल 370 कैसी लगी? मस्त पिक्चर है, मस्त पिक्चर, सबको देखना चाहिए। पूरा बताया एडिक से कैसे कैसे किया गया, कितना टाइम से प्लानिंग किया गया, पूरा गोरे बताया, अच्छे से बताया, पूरा इंडेक्स बताया। अच्छा हाँ स्टोरी की बात करें, स्टोरी की? स्टोरी अच्छा बनाया है, सब दिखाया है, थोड़ा मतलब पिक्चर का मसाला डाला है इसके अंदर, सब सही बताया है, फैक्ट्स भी अच्छे से दिखाया गया, सब कुछ सही दिखाया गया। हाँ देखना चाहिए। बात करें यामिनी गौतम और बाकी कास्ट की, कैसे काम कैसा लगा सभी का? यामिनी गौतम काम अच्छा था। हाँ बाकी मेरे को लग रहा है मोदी पे फेस पे और काम अच्छा कर सकते थे लोग। हाँ मोदी का था डबल और अच्छा कर सकते थे। बाकी एक्टिंग सब कम था, एक्शन एक्शन भी सब अच्छा है, बेस्ट है। हाँ बेस्ट पार्ट क्या लगा उस मूवी में? बेस्ट पार्ट ये जब ASI और नो आया ना, 60 ASI और 60 नो आया, बाकी ASI सबसे बेस्ट पार्ट था। जाते थे 5 में से कितने रेटिंग से गए? 5/5। क्या लगता है लोगों को पसंद आएगी? पक्का पसंद आएगी। फाइनली ज्ञानेंद्र जी आपने देख ली आर्टिकल 370, कैसी लगी? इट इज अ वेरी आई ओपनर फिल्म। हाँ सत्य घटना बोलना चाहिए इसे तो। और तमाचा उन लोग पे तमाचा जो लोग 370 हटाने के खिलाफ थे। हाँ तमाचा तो पड़ गया। हाँ जो मुझे मजा आया। हाँ और बात तो ये है कि जिस तरह से जो प्रेजेंट किया है ट्रू स्टोरी को, अनबिलीवेबल प्रेजेंट किया है। हाँ सोचा ही था कि मीन्स ऐसा ट्रू स्टोरी आएगा, बट अच्छा लगा देख के, एकदम ऑल टाइम सुपर हिट। स्टोरी की बात करें, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी तो वाज अ ग्रेट, मीन्स मैं तो मीन्स उठा ही नहीं है स्टार्टिंग सेकंड तक, उठा ही नहीं, इंटरवल भी हुआ तो मैं उठा ही नहीं पहली बात तो। हाँ इतना खींच लिया मुझे। हाँ डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन तो चलो एकदम वाज ग्रेट। हाँ मीन्स जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है। हाँ क्या स्टोरी जिस तरह से बताई स्टार्टिंग में, जैसे कि 370 का क्यों नहीं हटा ये सब, इट वाज शॉकिंग कैसे उन इगोइस्टिक कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से 370 को हटाया नहीं। हाँ और कश्मीर के लोगों पर क्या बीत गई थी इस वक्त, वो पूरा स्टोरी इसमें दिखाया गया। इट वॉज अ इमोशनल ऑल्सो, और कई बार तो मीन्स गुस्सा तक आने लगा हमें। हाँ याद था कि कुछ लोग ऐसे भी थे, वो लोग को जोर से चिल्लाने लगे तुम लोग कैसे ऐसा एक्सेट्रा, और जब पुलवामा अटैक का दिखाया गया सच में। हाँ रुला दिया सबका। काम कैसा लगा यामिनी गौतम बाकी सभी का काम कैसा लगा? तो एक नंबर। हाँ अप टू द मार्क। वो जो है ना, मैं सच बोलूँ, फेयर एंड लवली क्रीम से उनका फैन हूँ। जोक सपाट अब जो सीरियस करते हैं। हाँ तो बहुत ही उन मीन्स जिस तरह से उनका जो कैरेक्टर था ना, हाँ एकदम फेशियल एक्सप्रेशन के साथ सुपर मैच कर रहा था। हाँ सच में। फिर अपने दादा है ना वैभव दादा। हाँ आई हाय काय बोलूं त्याच्यासाठी। सोल्जर का जो कैरेक्टर किया वाज अ ग्रेट। हाँ वो भी मीन्स एकदम सूट भी कर रहा है। मेरे को तो लगता है ना उनको मराठी फिल्मों में सोल्जर फिल्म्स बनानी चाहिए उनको, और सिर्फ सोल्जर का कैरेक्टर उनको करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा चलेगी। और अपने अरुण गोयल रामायण के राम जी, उनके बारे में क्या बोलूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो कैरेक्टर किया ना सूट हो रहा है एकदम। सच बोल रहा हूँ, एक चीज़ आप सीरियस मुद्दे पाते हैं। हाँ जो लोग अभी कुछ ऐसे अहंकारी और क्या बोलूँ, बोलूँगा भी नहीं, अहंकारी लोग जो है उन लोग के बारे में, उन लोग जो लोग है, हम लोग चाहते थे कि मीन्स 370
ना हटे। हाँ। वो चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों पे और उग्र हिंसा हो, और वो चाहते थे कि कश्मीर के जो बच्चे छोटे से छोटे बच्चों को पत्थर फेंकने पे उकसाए। आज वो कश्मीर एक सेफ बन गया है। यहाँ कश्मीर में हम भारतीयों का रहना तो क्या बोलूं अभी मैं, शर्म आती थी यार किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था। चाहे 90 के दौर पे कश्मीरी पंडितों पे हमला हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे कश्मीरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जब ये आज बीती बताई है मैं खुद सुन के रोया हूँ, सच बता रहा हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि कश्मीर भारत का नहीं है, तो जाके है ना, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये बोलने का। ऋषि कश्यप के नाम से पढ़ा है कश्मीर, आप कई पुराणों में भी इसका वर्णन है, ऋषि कश्यप के नाम से पढ़ा है कश्मीर। और सच में कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। भारत का ही ये राज्य है कश्मीर, क्योंकि इसी कश्मीर में सब कुछ है, शांति और अमन सब अब आ चुका है जो पहले नहीं था। अब वो हटने के बाद गड़बड़ है तो प्लीज क्षमा करें, बट ये जो है ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था है और रहेगा। थैंक यू। आर्टिकल 370 इज वेरी नाइस, मूवी थीम इज वेरी नाइस, और जो डिटेल दिखाई है जो पब्लिक को पता नहीं रहती थी वो डिटेल भी उसने साफ साफ कर दिया। 370 कैसे एप्लीकेट हुई, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर ने उसने अपना जो कैसे इन्हें ट्विस्ट करके ये सब किया वो सब डिटेल में दिया। पिक्चर इज वेरी नाइस, आर्टिस्ट गौतमी छा गई है। क्या लगता है इसके पहले कश्मीर फाइल्स भी आई थी? कश्मीर फाइल भी ऐसा ही हुआ था, मुझे मालूम है कि वो जो स्टार्टिंग के दिन में कोई नहीं आए थे, बाद में पप्पू गुंडा के बाद में इतना हाउसफुल होता है। इसमें भी ऐसा ही है कि थीम वेरी नाइस, तो पिक्चर पब्लिक को पसंद आएगी। जाते थे 5 में से कितने रेटिंग से? मैं 4 से